सागर जिले के बंडा विधानसभा के विधायक तरवर सिंह ने अघोषित बिजली कटौती, बढ़े हुए बिजली बिल और बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम टीआई को ज्ञापन सौंपा। साथ ही इस मामले में सागर से हमारे संवाददाता बीपी पटेल से भी बात की। स्तर पे जो आंदोलन हो रहा है बिजली बिल को लेकर, क्या मामला इसमें? जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक तो जो कोरोना काल के समय पे जो घोषणा करी गई थी कि जो घरेलू कनेक्शनों की जो बिल जो ज़्यादा आ रहे थे उस समय उन्होंने माफ़ करने की बात कही थी, लेकिन उन्हें स्थगित करके और फिर आगे जाके माफ़ नहीं किया गया, उन्हें बिलों में जोड़ दिया गया उस राशि को जो स्थगित करी थी। और दूसरी बात, अभी ये जो अघोषित बिजली कटौती की जा रही इसकी कोई घोषणा नहीं की जाती और 24 घंटे में 6-6 घंटे लाइन बंद रहती है, बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन्हीं के विरोध में कल हम पूरे प्रदेश में, प्रदेश के सभी इलाकों में आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिए गए। सर, ये शिवराज सिंह के उन्हें दोहरी राजनीति कहना, कमाल लीजिए के कहना। अब एक तो उनके पास कुछ बचा नहीं है, वो तो सिर्फ झूठ बोलकर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उन्हें कुर्सी का शौक है, कुर्सी पर बैठने का, देश की जनता के साथ चाहे अन्याय होता रहे उन्हें इस चीज़ की कोई खबर नहीं है। अभी कोरोना काल में लोग मर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था एक साल में, जैसे कोरोना को लेकर, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर, ऐसी एक साल में कोई व्यवस्था नहीं की, जिससे हमारे प्रदेश के हजारों लोग मर गए। बंडा विधानसभा में जो विकास कार्यों को लेकर, मतलब क्या? बंडा विधानसभा में जैसा कि जब मैं विधायक बना और हमारी सरकार भी कांग्रेस की बनी तो मन में खुशी भी थी, एक लहर भी थी, पहली बार ही मैं विधायक बना और पहली बार में ही सरकार का विधायक। लेकिन मात्र एक ही साल में, सवा साल में मान के चलो, इन लोगों ने सरकार गिरा दी। यदि 5 साल सरकार चलती तो भरपूर बंडा विधानसभा का विकास होता, लेकिन अभी आगे जो आज की स्थिति बन चुकी है, आगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। और खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।